वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आपके साथ इस वीडियो में हम एक रिक्वायरमेंट शेयर करना चाहते हैं जो हमारे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्लाइंट के लिए है, और ये उन सब के लिए है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है या बीटेक किया है, या मैकेनिकल से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है या बीटेक किया है। साथ में उनका एमईपी का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, एमईपी का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड एमईपी का अगर स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, और आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग किया है, अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस हम लोग देख रहे हैं, और अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है और आपका 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस भी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में एमईपी का, तो वो चलेगा। तो इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और आने वाले वीडियो में आपके सब्जेक्ट के ऊपर सुनना पसंद करेंगे, और इसको शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ताकि ये ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर की पोजीशन है, जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के भी बंदे चाहिए और मैकेनिकल बैकग्राउंड के लिए भी बंदे चाहिए। इलेक्ट्रिकल में वो बंदे चाहिए जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है या बीटेक किया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो 7 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 6 ईयर भी चलेगा, और अगर बीटेक है तो 5 प्लस। मैकेनिकल में भी सेम है, अगर डिप्लोमा में इन मैकेनिकल है 3 ईयर यूनिवर्सिटी डिप्लोमा तो 6 7 ईयर चाहिए, और अगर बीटेक है तो 5 ईयर भी चलेगा, बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मेंटेनेंस में और एमईपी का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस अगर गल्फ का है तो प्रेफर्ड है, बट अगर इंडिया का भी अच्छा एक्सपीरियंस है तो चलेगा। सैलरी भी एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव है, फॉर 8 आवर्स, और 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 ईयर्स पे 42 डेज का पेड वेकेशन होगा, और फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो उसके बाद बेस्ड ऑन द डिस्कशन सैलरी भी रिवाइज होगी और कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होगा, और आपको 42 डेज का पेड वेकेशन मिलेगा, इंडिया आने की टिकट मिलेगी, वापसी की टिकट मिलेगी, और इन केस अगर आप रिन्यू नहीं करते हैं तो 42 डेज का आपको पेड वेकेशन मिलेगा और आने की टिकट मिलेगी। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी, ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है सऊदी अरब का। किसी क्लॉज की वजह से हम आपको नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अप्लाई करें, और अगर आपका प्रोफाइल नहीं मैच करता है किसी जानने वाले का तो उनसे शेयर करें ताकि ये रिक्वायरमेंट उनको बेनिफिट करे। और क्योंकि काफ़ी टाइम से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बंदे जो कंस्ट्रक्शन से हैं वो हमें अप्रोच कर रहे थे, हमारे पास ज़्यादा पोजिशन नहीं आ रही थी, बट इस बार हमारे पास पोजिशन काफ़ी नंबर्स में आई है, तो आप इसको अप्लाई करें और सिलेक्ट हों और जाएं और अपने अच्छे करियर की शुरुआत करें। अगर इसके अलावा भी अगर आप आस्था कंसल्टिंग से किसी टॉपिक के ऊपर सुनना चाहते हैं, या कोई आपका सवाल है, कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में गल्फ जॉब के हवाले से, या आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी और सिलसिले में, तो आप कमेंट करके पूछें। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को हम एक मीडियम के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो आप हमसे पूछ सकें और हम आपको पूरे पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।